हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HUL प्यूरिट एडवांस प्रो मिनरल RO प्लस UV वाटर प्यूरिफायर, 6-स्टेज वॉल माउंटेड काउंटर टॉप ब्लैक 7 लीटर वाटर प्यूरिफायर। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर प्यूरिट जो एडवांस प्रो मिनरल RO प्लस UV है। इसे हमने अमेजोन से परचेस किया है और ये ऑर्डर करने के बाद एक दिन में डिलीवर्ड हो चुका है। इसे हमने 10,364 रुपीज़ में परचेस किया है। अब हम फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर प्यूरिट एडवांस प्रो मिनरल RO प्लस UV वाटर प्यूरिफायर कैसा है। इसके अंदर हमें ये बिल मिला है, तो ये इसका बॉक्स है जिस पे हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर प्यूरिट एडवांस प्रो मिनरल RO प्लस UV का हुआ देखने को मिलता है। इस मॉडल में हमें 6-स्टेज प्यूरिफिकेशन विद RO प्लस UV टेक्नोलॉजी और इसमें इंक्लूड्स मिनरल कार्ट्रेज और 2000 ppm वर्स अप टू 2000 ppm TDS भी देखने को मिलता है। और इसका स्टोरेज अगर आप देखने को जाएंगे तो इसमें 7 लीटर वाटर स्टोरेज इतनी इसकी कैपेसिटी है। और इसमें पावर सेविंग मोड भी दिया गया है। ये इस प्यूरिफायर के कुछ फीचर्स है। उसको खोलने के बाद अंदर हमें इसके साथ कुछ टूल्स दिए गए हैं, जैसे वॉल माउंटिंग स्क्रू, टैप, कॉक और वॉल माउंटिंग स्टिकर, मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, ट्यूब्स, अडेप्टर, ऐसे कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये वारंटी कार्ड है जिसमें हमें इसकी वारंटी दी गई है। अब हम देखते हैं कि एडवांस प्रो मिनरल RO प्लस UV वाटर प्यूरिफायर कैसा है। तो ये है मेन चीज़ जिसे हम देखने वाले हैं। इसके बैक को अब हम निकालने वाले हैं। तो ये वाटर प्यूरिफायर हमें कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखने में हमें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है। ये हमें टोल फ्री नंबर और कुछ स्टिकर दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ कुछ पाइप्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं और ये वॉल हैंगिंग साइड है। पीछे एडाप्टर से हमें सप्लाई देने के लिए कुछ सॉकेट भी दिया गया है। तो ये वाटर प्यूरिफायर को अब हमने अनबॉक्सिंग किया है और अब हम इंस्टॉलेशन के लिए वेट कर रहे हैं। टेक्नीशियंस नहीं आता तब तक हमें इंस्टॉलेशन के लिए वेट करना है। टेक्नीशियन अब कुछ दिनों में आ चुका है और ये अब हम पुराना प्यूरिफायर को निकाल रहे हैं और उसी जगह हम नया प्यूरिफायर को लगाने वाले हैं। अब ये टैप को रिमूव कर रहे हैं जहां हमें नया टैप लगाना है। पुराने प्यूरिफायर को भी यह हमने निकाल लिया है। तो मेन कॉक है उसे भी हमने ऊपर से बंद किया है ताकि पानी पूरी तरह से बंद हो जाए। अब नए टैप को बिठाया जा रहा है और अब ये कॉक लग चुका है। तो अब ये इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। इससे पहले कॉक को बिठा लिया है और अब इसमें पाइप्स लगा रहे हैं। हाँ, पुरानी मार्किंग है इसलिए इसे हम फिर से वहाँ ही बिठा रहे हैं। अब ये लग चुका है। अब इसके स्क्रू को लगाया जा रहा है। अब वाटर प्यूरिफायर कहाँ लगाना है इसके लिए मार्किंग की जा रही है। तो अब मार्किंग का निशान लगाया जा चुका है। वाटर प्यूरिफायर को हम उसी जगह लगा रहे हैं जिस जगह से हमने वाटर प्यूरिफायर को निकाला है। तो अब हमने मार्किंग कर ली है। अब हम वाटर प्यूरिफायर को निकाल के जिस जगह मार्किंग की है उस जगह लगाने वाले हैं। तो वाटर प्यूरिफायर को अब बाहर निकाला गया है और अब इसे टैप बिठा रहे हैं।
तो टैप को लगाने के बाद अब ये इसे जहाँ मार्किंग की है उस जगह पे लगाने वाले हैं। कुछ पाइप्स को पैक किया है, उसे खोल दिया गया है। इसे कौन सी साइड में लगाना है इसे हम अब हम चेक कर रहे हैं। इसे कौन सी साइड में लगाना है ये तय हो चुका है। अब इसकी मार्किंग करके इसको फिट करने वाले हैं। तो अब ड्रिल की जा रही है। इसको करने के बाद स्क्रू को फिट किया गया है। और तो अब वाटर प्यूरिफायर जैसे लग चुका है। अब ये इसकी कुछ पाइप्स को फिट कर रहे हैं। अब हमने वाटर के मेन कॉक को खोल दिया है ताकि पानी आ सके। अब यहाँ पानी आ रहा है। हमने ऊपर से वाटर के कॉक को खोल दिया है। तो इसके इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें वाटर प्यूरिफायर का पूरा डेमो मिलता है, जिसमें हमें वाटर प्यूरिफायर किस तरह से काम करता है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ हमें दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंस्टॉलेशन अब पूरा होने तक आ चुका है। अब इसे पावर एडाप्टर लगाना बाकी है। अब पावर सप्लाई एडाप्टर लगाया जा चुका है और वाटर प्यूरिफायर के सॉकेट में एडाप्टर के प्लग को लगाया जा रहा है। तो इंस्टॉलेशन अब पूरा हो चुका है। अब हम आगे डेमो देखेंगे। सात लीटर पाणी भरण्यासाठी मशीन 22 मिनिटं घेतं, ठीक आहे? त्याच्या आधीची प्रोसेस, मशीन चालू करायच्या आधी प्रोसेस। हा जो ब्ल्यू कलरचा कॉक आहे, हा जिथं पाईपलाईन ट्यूबलाईन जाते ही, हा पाईप इनलेट आहे, हे आउटलेट आहे, ठीक आहे? ते पाईपलाईन जाते तिथं हा कॉक या साईडला ऑन राहतो, ट्यूबकडे ऑन राहतो, या साईडला ऑफ राहतो, ठीक आहे? कॉक ऑन केला, मशीनचं इलेक्ट्रिसिटीचं बटन ऑन केलं, ठीक आहे? मशीन ऑन केलं, मशीन विदाऊट इंडिकेशन वाले आहे। तुम्हाला इंडिकेशनसाठी इथं रेड कलरची लाईट दिली मशीनवरती। इलेक्ट्रिक सप्लाय आला, मशीनवरती रेड कलरची लाईट येते, ठीक आहे? त्या अडॅप्टरवरती मशीन लगेच चालू होत नाही, बटन दाबलं 32 सेकंड मशीन चालू होतं, 32 सेकंड मशीन चालू होतं। मशीन चालू झालं की मशीनचं वेस्टेजचं पाणी, इथं जिथं रेड कलरचं टेप लावलं हे वेस्टेजचं पाणी आणि मशीनचा पंप दोन्ही सोबत चालू होणार। 7 लिटर पाणी भरण्यासाठी मशीन 20 ते 25 मिनिटं वेळ घेतं, ठीक आहे? 7 लिटर पाणी भरण्यासाठी मशीन 20 ते 25 मिनिटं वेळ घेतं, पण ते पण तुमच्या इनलेटच्या प्रेशरवरती डिपेंड आहे, ठीक आहे? मशीनचा सेडिमेंट फिल्टर आहे, हा कार्बन फिल्टर आहे। पाहायच्या साऊथमध्ये 2 फिल्टर दिले कंपनीने। हा सेडिमेंट फिल्टर आहे, हा कार्बन फिल्टर आहे। मशीन आरओ प्लस यूव्ही आहे, मशीनच्या मध्ये यूव्ही लॅम्प आहे, मिनरल कार्टेज आर ओ मेंबर आहे, ठीक आहे? झालं मशीन चालू, 30-32 सेकंड आणि मशीन चालू होतं। मशीन चालू झाल्यानंतर वेस्टेजचं पाणी आणि मशीनचा पंप दोन्ही सोबत चालू होतं, ठीक आहे? पुढच्या 22-25 मिनिटांमध्ये मशीन भरलं, मशीन स्टॉप होईल सर। हे वेस्टेजचं पाणी आणि मशीनचा पंप दोन्ही स्टॉप होईल। इथून तुम्हाला मॅन्युअल कॉक मधून पूर्ण पाणी सोडून द्यायचं आहे, फक्त आजसाठी, पुढच्या 20 मिनिटांसाठी। पहिलं पाणी इथून सोडून द्यायचं, नंतर तुम्ही जे पाणी भरेल ते पिण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता, ठीक आहे? आज आम्ही पुढच्या 20 मिनिटांमध्ये मशीन भरलं, वेस्टेजचं पाणी स्टॉप होणार, मशीनचा पंप स्टॉप होणार, मशीन सायलेंट होऊन जाणार। पुढच्या 22-25 मिनिटांमध्ये जे पाणी भरेल ते मॅन्युअल कॉक मधून सोडून द्यायचं, त्याच्यानंतर तुम्ही जे पाणी भरेल ते पिण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता, हे फक्त आजसाठी। रेग्युलरली काय करायचं, मशीन भरलं इलेक्ट्रिसिटीचं बटन बंद ठेवायचं, याच्याने काय होतं तुमची इलेक्ट्रिसिटी पण वाचेल आणि मशीनची इलेक्ट्रिक स्पेअर डॅमेज होण्यापासून पण वाचेल। 1 वर्ष वॉरंटी मध्ये त्यावर कंपनी देईल, पण त्याच्यानंतर नंतर गेलं तरी तुम्हाला चार्जेबल असेल इलेक्ट्रिक स्पेअर, ठीक आहे? आता बाहेरचा जो सेडिमेंट फिल्टर आहे, हा पुढच्या 5 ते 6 महिन्यामध्ये किंवा जेव्हा तुमचं 3000 लिटर पाणी होईल, 1 महिन्याने हो, 2 महिन्याने हो, 4 महिन्याने हो किंवा 8 महिन्याने हो, तुमच्या युज वरती डिपेंड आहे। बाहेरचा सेडिमेंट फिल्टर बदलायचा, हा फिल्टर इन वॉरंटी मध्ये 250 रुपयाला येतो। मशीन इन वॉरंटी म्हणून 125 रुपये त्याला सर्व्हिस चार्ज लागेल। मशीन आउट ऑफ वॉरंटी असेल तर 300 रुपये सर्व्हिस चार्ज लागतो। तेव्हा तुम्हाला हा फिल्टर 5 ते 6 महिन्याने पकडा, तेव्हा 375 रुपये फिल्टर बदलण्यासाठी लागते, ठीक आहे? आता 1 वर्षांनी किंवा 1 वर्षाच्या आत जेव्हा तुमचं 6000 लिटर पाणी होईल, तेव्हा मशीनच्या बाहेरचे 2 आणि मशीनच्या मध्ये 2 चार फिल्टर चेंज होणार। यूव्ही लॅम्प कधीही चेंज होत नाही, जेव्हा खराब होईल तेव्हाच चेंज होतो, ठीक आहे? 2750 रुपयाचे फिल्टर आहे, 300 रुपये सर्व्हिस चार्ज, मशीन इन वॉरंटी असो आउट ऑफ वॉरंटी असो तुम्हाला सेम चार्जेस लागेल, ठीक आहे? मशीनची वॉरंटी तुम्हाला फक्त इथे इलेक्ट्रिक स्पेअरची,
मशीनचा अडॅप्टर, मशीनचा पंप, एसवी फ्लोट, कंट्रोल सर्किट, मशीनचं याच्या व्यक्ती काही जरी गेलं तरी तुम्हाला चार्जसाठी कंपनीला द्यावं नाही लागणार. अदरवाईज तुम्हाला हा पॉक आहे, बाहेरची हाऊसिंग आहे, मशीनची बॉडी आहे किंवा मशीनचे फिल्टर आहे, ओके, हे जर इन वॉरंटी मध्ये येत आहे तुम्हाला, याच्यासाठी तुम्हाला चार्ज लागणार. कारण हे तुम्ही युज मध्ये तुमच्या इलेक्ट्रिक तुमच्या युज मध्ये येत नाही, त्याच्यामध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला कंपनीकडून भेटेल. ठीक आहे, आलं पाणी? असंच पाणी पुढच्या 20 मिनिटांमध्ये इलेक्ट्रिक बटन बंद करून, पुढच्या 20 मिनिटं बघा, बटन बंद झालं असं समजा की मशीन भरलं, तुमचं मशीन भरलं, वेस्टेजचं पाणी कमी झालं, पंप कमी झाला, मॅन्युअल पंप मधून पाणी सोडून द्यायचं, त्याच्यानंतर तुम्ही जे पाणी भरेल ते पिण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे, परत पुढच्या 20 मिनिटं परत स्टोरेजच्या खाली झाली की तुम बारीक धार येणार, बटन चालू करून द्यायचं, पुढच्या 20 मिनिटात जे पाणी भरेल पिण्यासाठी वापरू शकता. ओके, तो यहाँ हमें अब डेमो दिया जा चुका है, मैं इस वाटर प्यूरीफायर को किस तरह से यूज करना है, वाटर प्यूरीफायर ब्रांड की वारंटी के बारे में जानकारी दी जा चुकी है. तो अब हम वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉलेशन होने के बाद सबसे पहले वाटर जो है उसे हम निकालने वाले हैं. डेमो देते वक्त हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें वाटर को फर्स्ट यूज़ हो तब हमें निकालना है, और इसकी आवश्यकता हमें सिर्फ फर्स्ट यूज़ में है, और इस वाटर को हमें पीने के लिए यूज़ नहीं करना है. पानी अब ख़त्म होने को आ चुका है. तो वाटर अब पूरी तरह से रिमूव हो चुका है. अब हम वाटर टैप को बंद करने वाले हैं. तो अब ये वाटर पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, और अब हम फिर से वाटर प्यूरीफायर में नया वाटर को भरने वाले हैं. तो अब ये इसकी फर्स्ट स्टेप हो चुकी है. इसके बाद जो हम पानी भरने वाले हैं इसे पूरे 20 मिनट्स लगने वाले हैं, और ये 20 मिनट्स पूरे होने के बाद हम पानी पी सकते हैं. तो अब हम पावर को ऑन कर रहे हैं. इसे हम पावर ऑन करेंगे तब ये 32 सेकेंड में ऑन हो जाएगा. इस वाटर प्यूरीफायर के स्टोरेज में अपने आप पानी भरना शुरू हो जाएगा. वाटर टैंक फुल होने में पूरे 20 मिनट्स लगते हैं. तो अब हम वाटर टैंक फुल होने तक इंतज़ार करते हैं. तो अब वाटर प्यूरीफायर के टैंक में वाटर पूरा भर चुका है. वाटर प्यूरीफायर ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है, और वेस्ट का पानी भी रुक चुका है. वाटर टैंक अब फुल हो चुका है. आगे हम वाटर के टेस्ट को और वाटर के TDS को चेक करने वाले हैं. तो यहाँ हमें TDS 23 दिखाई दे रहा है. तो ये इसका TDS है जिसे हमने यहाँ चेक किया है. TDS को हमने यहाँ वाटर के प्योरिटी के लिए चेक किया है, ताकि हमें वाटर की प्योरिटी समझ सके.
अब हम वाटर की टेस्ट कैसे है ये चेक करते हैं। तो यहाँ हमने वाटर की टेस्ट को चेक किया, टेस्ट हमें काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर प्यूरिट का एडवांस प्रो मिनरल आरओ प्लस यूवी हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसमें हमें 6 स्टेजेस प्यूरिफिकेशन विद आरओ प्लस यूवी टेक्नोलॉजी मिली है और इसका टैंक हमें लार्ज वाटर स्टोरेज में मिला है जो 7 लीटर का है और इसमें पावर सेविंग मोड भी है जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम वीडियो को करते हैं एंड, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।